नमस्ते मित्रों, युक्लिडनी भूमितिनो परिचय आ वीडियो में तमारू स्वागत छे। अगाउना वीडियो में आपने युक्लिडनी व्याख्याओ पर चर्चा करी चुक्या छीए। आजे आपने युक्लिड द्वारा आपवामां आवेल पूर्वधारणाओ पर चर्चा करीशुं। चालो सौथी पहला आपने पूर्वधारणाओनो अर्थ समझिए। मित्रों, सामान्य रीते त्रण प्रकारना विधान होय छे। एक जे हमेशा सत्य होय छे, जेम के सूर्य पूर्व दिशा मां उगे छे अने आ सनातन सत्य छे। बीजू के जे हमेशा असत्य होय छे, जेम के मनुष्य ने चार आँखों होय छे। अने त्रीजु अस्पष्ट एटले के एवु कोई विधान जे बीजा कोई पर आधार राखतु होय, जेम के आ विधान आजे खूब ज ठंडी लागे छे। एवु पण थई शके छे के कोई एवु पण होय के जेने ठंडी न लागती होय, अथवा तो कोई एवी जग्याए होय ज्यां ठंडी न पड़ती होय, माटे आ विधान ने सत्य के असत्य नथी कहेवामां आवतुं। परंतु गणित मां फक्त बे प्रकारना ज विधान होय छे के जे संपूर्ण रीते सत्य होय छे अथवा तो असत्य। जेम के 4+2=6 आ हमेशा माटे सत्य छे अने 4+2=8 ए हमेशा माटे असत्य छे। सत्य विधान ना पण बे प्रकार होय छे। पहेलू के जेने साबित कर्या वगर सत्य मानी लेवामां आव्युं होय अने एटले के सनातन सत्य, जेम के आपणे जोयुं के 4+2=6 अने बीजू के जेने पुरावा द्वारा साबित करवामां आव्युं होय, जेम के वर्गमूळमां 2 एक असमय संख्या छे अने एना पण बे प्रकार छे। पहेलो के जे दरेक जग्याए एटले के सामान्य रीते गणितनी बधी शाखाओमां तेनो उपयोग थाय छे, आने पूर्वधारणा कहेवामां आवे छे। अने बीजू के जे मोटे भागे भूमिति साथे संकळायेला होय छे, जेने स्वयं सिद्ध सत्यो कहे छे। स्वयं सिद्ध सत्यो पर विस्तृत चर्चा आपणे आगळना वीडियोमां करीशुं। अहीं आपणे युक्लिड द्वारा आपवामां आवेल केटलीक पूर्वधारणाओ विशे जोईए। चालो तेनी शरूआत आपणे एक विधानथी करीए। जो हूँ कहूँ के रोहननी पासे जेटला पुस्तको छे एटला ज पुस्तको सोहननी पासे छे, अने सोहननी पासे जेटला पुस्तको छे एटला ज पुस्तको मोनूनी पासे पण छे। मित्रों, शुं आ विधानथी आपणे रोहन अने मोनू वच्चे कोई संबंध बतावी शकीए छीए? जोईए छीए। मानी लो कि रोहननी पासे पुस्तकोनी संख्या एक्स छे, सोहननी पासे पुस्तकोनी संख्या वाई छे अने मोनूना पुस्तकोनी संख्या झेड छे। विधान मुजब रोहननी पासे जेटला पुस्तको छे एटला पुस्तको सोहननी पासे पण छे, एटले के आपणे कही शकीए छीए के x ए y ना बराबर छे। अने एवुं आप्युं छे के सोहन ने जेटला पुस्तको छे एटला पुस्तको मोनूनी पासे पण छे, एटले के y ए z बराबर छे। ध्यान आपो के अहीं x ए y बराबर छे अने z पण y बराबर छे। मित्रों, युक्लिडनी पहली पूर्वधारणा पण एम ज कहे छे के एक वस्तु ने समान होय तेवी वस्तुओ एक बीजी ने समान थाय, एटला माटे x अने z बराबर थशे। एटले के आपणे एवुं कही शकीए के रोहननी पासे जेटला पुस्तको छे एटला ज पुस्तको मोनूनी पासे पण छे। युक्लिडनी बीजी पूर्वधारणा ए छे के सरखामां सरखुं उमेरीए तो सरवाळा सरखा रहे, एटले के a b समान होय अने c d समान होय, अने जो आपणे a मां c ने उमेरीए अने b मां d ने उमेरीए तो a + c बराबर b + d थशे। जो अहीं प्लस नी जग्याए माइनस होय एटले के अहीं उमेरो करवानी जग्याए घटाडो करवामां आवे तो शुं थशे? मित्रों, थोड़ू विचारो, शुं तो पण आ सरखा ज रहेशे? जी हां, युक्लिडनी त्रीजी पूर्वधारणा ए छे के सरखामांथी सरखा बाद करीए तो बाद बाकी सरखी रहे, एटले के a माइनस c बराबर b माइनस d थशे। युक्लिडनी चौथी पूर्वधारणा मुजब एक बीजा पर बंध बेसती आवती वस्तुओ एक बीजी ने सरखी रहे। बंध बेसतु एटले के समान, एटले के एवुं कहीए के एक ज होय तो ते एक बीजा ने सरखी होय, जेम के रेखा ab એ રેખા ba ને બરાબર છે, કેમ કે આ બંનેના નામ એક જ રેખાને દર્શાવે છે અને આ ત્રિકોણ abc માં ખૂણો bca ખૂણો bac સમાન છે ખૂણા cab ને, કેમ કે આ બંને નામ એક જ ખૂણાને દર્શાવે છે। યુક્લિડની પાંચમી પૂર્વધારણા પર આવતા પહેલા એક સહેલો પ્રશ્ન જોઈએ। જણાવો કે આપણા દેશ ભારતમાં કુલ કેટલા રાજ્યો છે? જી હા, કુલ 28 રાજ્યો છે, એટલે કે ભારતને 28 રાજ્યોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે।
जो आपने एमाथी एक राज्य ने जोईए जेम के महाराष्ट्र ने तो ते निश्चित छे के ते भारत थी नानू छे केम के ते भारत नो मात्र एक भाग छे। जी हाँ मित्रों, युक्लिड तेमनी पांचमी पूर्व धारणा मा पण आवू जणावे छे के आखू तेना भाग करता मोटू होई छे। जो अहीं आपणे भारत ने ए धारीए अने महाराष्ट्र ने बी धारीए, बाकी वधेला 27 राज्यों ने सी धारीए, तो आपणे ए ने कंईक आवी रीते लखी शकीए छीए। ए बराबर बी प्लस सी। युक्लिड नी छठी पूर्व धारणा मुजब सरखी वस्तुओना बमणा एक बीजा ने समान होय छे। जो ए अने बी समान छे तो तेमना बमणा पण एटले के बे ए अने बे बी पण समान थशे। अने सातमी पूर्व धारणा पण आ प्रमाणे नी छे के एकज वस्तुओना अर्धा एक बीजा ने समान थाय, एटले के ए अने बी समान होय तो एना अर्धा एटले के ए छेद मा बे अने बी ना अर्धा बी छेद मा बे पण एक बीजा ने समान थशे। तो मित्रों, आ वीडियो मा बस आटलू ज। आजे आपणे युक्लिड द्वारा आपवामां आवेली केटलीक पूर्व धारणाओ पर चर्चा करी। मळीए आगळना वीडियो मा। आभार।